देखिए, जब कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और जब प्रेगनेंसी रुकती नहीं है तो लोग फिर कारण को खोजते हैं। सिंपल सी बात है, कारण तो खोजना भी बनता ही है। और फिर लोगों को रियलाइज़ होता है कि जो स्पर्म है, जिन्हें वजाइना के अंदर जाके अंडे को फर्टिलाइज करना चाहिए, वो वजाइना के अंदर मतलब योनि में ना जाकर योनि से ही बाहर निकल जाते हैं, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। फिर लोग तरह तरह के सवाल बना लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे पुरुषों का ये मानना रहता है कि जो स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं इंटरकोर्स के टाइम, वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसीलिए स्पर्म बाहर निकल जाता है। और वहीं जो फीमेल्स हैं, उनका ये मानना रहता है कि शायद जो वजाइना मतलब जो योनि है, वो बहुत ज़्यादा ढीली है, इसीलिए स्पर्म बाहर निकल जाता है। या फिर अक्सर महिलाओं का ये भी मानना रहता है कि शायद बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए स्पर्म बाहर निकल जाता है। या फिर जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, वो हमेशा खुली रहती है, सर्विक्स बंद ही नहीं होती, इसीलिए जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न क्या है स्पर्म के बाहर निकल जाने का, उसको कैसे रोका जा सकता है, और आप प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव कर सकते हो, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसे आप लोग स्पर्म कहते हो, मतलब जो शुक्राणु आप लोग समझते हो, एक्चुअल में शुक्राणु होता ही नहीं है। जिसे आप लोग समझते हो कि वो बाहर आ गया, एक्चुअली में इसे हिंदी में वीर्य बोलते हैं और इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। और अक्सर लोग शुक्राणु को वीर्य समझ लेते हैं, मतलब दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग-अलग होते हैं। एक्चुअली में जो सीमेन है, उसके दो टाइप होते हैं। पहला, पानी जैसी चीज़ जिसे फ्लूड कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्रुक्टोज, एक टाइप की शुगर होती है। और दूसरी जो चीज़ होती है, वो होता है स्पर्म, मतलब शुक्राणु। और जो सीमेन है, उसके अंदर जो शुक्राणु है, वो ओनली 10% होते हैं। और ये जो पानी जैसी चीज़ है, जो फ्लूड है, ये शुक्राणु को एनर्जी देने का काम करती है। आप इसे शुक्राणु का खाना समझ सकते हो, जो कि 90% होता है। और वहीं जो स्पर्म है, उनकी एक टेल रहती है, मतलब एक पूंछ रहती है, जिसके कारण वो मोटाइल रहते हैं और गतिशील रहते हैं। और जो उनको एनर्जी चाहिए होती है, वो इस फ्लूड से मिलती है। अब गाइस देखिए, जो आप लोगों का सवाल रहता है कि जो स्पर्म है वो वजाइना से बाहर निकल जाता है, उसको कैसे रोका जा सके। तो गाइस देखिए, जो फीमेल है, जो उनकी योनि होती है, उसका जो अगला पार्ट है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। और उसके आगे बच्चेदानी होती है, मतलब यूट्रस होता है। तो जो वजाइना है और जो यूट्रस है, उसको जोड़ने का काम सर्विक्स का होता है, जिसे हिंदी में बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। जब आप रिलेशन बनाते हो, तो जो वीर्य है, उसका डिस्चार्ज योनि के अंदर होता है, और जो स्पर्म है, उसको बच्चेदानी के मुंह से होते हुए यूट्रस के अंदर जाना होता है। फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पर जो फीमेल का अंडा होता है, उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये तो हुआ साइंटिफिक रीज़न जिससे प्रेगनेंसी रुकती है। अब जो सर्विक्स है, वो एक प्रकार का डोर होता है, दरवाज़ा होता है, जिससे स्पर्म को गुजरना होता है। अगर इस सर्विक्स के फ्लूड कैपेसिटी की बात करें, तो 0.1 ml से 0.2 ml इसकी फ्लूड कैपेसिटी होती है, मतलब कोई भी तरल पदार्थ है, वो 0.1 ml से 0.2 ml तक आ सकता है। अब जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो एक टाइम में 1 ml से 5 ml तक निकलता है, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है। सो जो सर्विक्स की फ्लूड कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो एक टाइम में 0.1 ml से 0.2 ml स्पर्म ही अंदर जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस जगह पर खड़े हो और आपको जाना है ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आपको चलना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन शुक्राणु मतलब स्पर्म के लिए भी होती है। अब डिस्चार्ज हुआ है यहाँ पर योनि में, अब स्पर्म को जाना है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको क्या होना पड़ेगा, मोटाइल होना पड़ेगा, मतलब गतिशील होना पड़ेगा। जो वीर्य है, उसके अंदर सिर्फ 10% ही स्पर्म होती हैं और 90% फ्लूड होता है, ठीक है। और उसमें से जो स्पर्म
मोटाइल हैं, जो गतिशील हैं, वो ही बच्चेदानी के मुंह को क्रॉस करेंगे और फिर यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और जो गतिशील नहीं है वो वजाइना के बाहर ही रहेंगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव स्पर्म होगा, जो शुक्राणु होगा, वही वजाइना से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर जाएगा। अब गाइस देखिए, आपके घर वालों ने या आपके माता पिता ने आपको एक बात ज़रूर बोली होगी कि आप लाखों में करोड़ों में एक हैं। ये बात आपको क्यों बोली जाती है? क्योंकि जो फीमेल की अंडेदानी से अंडा रिलीज होता है उसे केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है, वहीं जो सीमेन है उसके 1 ml के अंदर लगभग 60 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। सो जो 1 ml सीमेन है, जो वीर्य है, उसके अंदर 6 करोड़ से 12 करोड़ तक स्पर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपने अपनी मदर की अंडेदानी से निकले अंडे को सबसे जल्दी फर्टिलाइज किया था, तो हुए ना आप करोड़ों में एक। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये सोचना कि स्पर्म बाहर आ जा रहे हैं उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो गाइस देखिए, पहली बात तो यही है कि जो वीर्य है उसके अंदर 10% ही स्पर्म होते हैं, और सारे स्पर्म का अंदर जाना भी ज़रूरी नहीं है। केवल एक स्पर्म भी अगर अंदर चला जाता है तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। बाकी गाइस देखिए, जैसे रेस में हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, वैसे ही जो स्पर्म हैं वो सारे के सारे तो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हेल्दी स्पर्म हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म हैं, जो एक्टिव मोटाइल स्पर्म है, वही अंदर जाएंगे, और जो अनहेल्दी, जिनका डीएनए स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो डेड स्पर्म है, वो अंदर नहीं जा सकते। और 90% तो फ्लूड ही होता है, तो उसको आपको अंदर स्टोर करने की ज़रूरत भी क्या है? जो एक्टिव स्पर्म होंगे वो ऑटोमेटिकली ही अंदर चले जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो वजाइना है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, मतलब जिस चीज़ की आपके शरीर को ज़रूरत ही नहीं है उसको कुछ समय के बाद वजाइना खुद ही बाहर निकाल देती है, ठीक है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। सो ऐसे में आप लोगों का ये सोचना कि आपका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है या फिर वजाइना बहुत ज़्यादा ढीली है, बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है या बच्चेदानी का मुंह हमेशा खुला रहता है, ये आप लोगों की गलत फहमी है, आप लोगों की मानसिकता है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन प्रेगनेंसी फिर भी नहीं रुक रही है, और आप ये कारण खोज रहे हो कि शायद स्पर्म बाहर निकल जा रहा है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, ये आप लोगों की गलत फहमी है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि कोई ट्यूब ब्लॉकेज हो, जिसके लिए आपको SHG का टेस्ट करवाना पड़े, स्कैनिंग करानी पड़े, दूरबीन से स्कैनिंग करानी पड़े, दूरबीन से जांच करानी पड़े, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, या हो सकता है कि आपको शुक्राणु की जांच करानी पड़े। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो शुक्राणु है उसका योनि से बाहर निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।